हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर और मैं हूं आपका मनी मित्र रजनीश कांत। दोस्तों, लोन पर चाहे घर हो, चाहे कार हो, चाहे कोई दूसरी चीज़ हो, वो तभी तक अच्छी लगती है जब हम उसका नियमित ईएमआई चुकाते हैं और हमारे पॉकेट में पैसा रहता है। दिक्कत तब शुरू होती है जब हम लोन की ईएमआई चुकाने की स्थिति में नहीं रहते हैं और हमारे पॉकेट में पैसा नहीं रहता है, ऐसा चाहे किसी भी वजह से हो। तो अगर आप भी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं या फिर ऐसी स्थिति की आशंका आपको सता रही है, तो हम यहाँ पर कुछ उपाय बता रहे हैं जिससे कि आप ऐसी स्थिति से आसानी से निपट सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप यानी कर्ज लेने वाला यानी लेनदार, कर्जदाता यानी जिसने कर्ज दिया हो या जहां से आपने कर्ज लिया है, चाहे वो बैंक हो चाहे वो लोन देने वाली कंपनी हो, से बात करके समाधान तलाशने की कोशिश करें। ये पहला उपाय हुआ। दूसरा उपाय, आमतौर पर मैनेजर अगली किस्त चुकाने की सलाह देता है। अगर आपकी दिक्कत बड़ी है तो आप कुछ महीने के लिए मासिक किस्त होल्ड करने की बात करें। अगर पैसे की व्यवस्था हो गई है तो बाउंस हुई किस्त की रकम चुका दें और बैंक के मैनेजर को भरोसा दें कि आगे से ऐसा नहीं होगा। अगर पैसे की व्यवस्था नहीं हुई है और आप लोन की मासिक किस्त चुकाने में हर महीने दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तो आप मैनेजर से एडवांस ईएमआई की जगह एरियर ईएमआई चुकाने की बात करें। यहाँ पर एडवांस ईएमआई और एरियर ईएमआई दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। एडवांस ईएमआई जब हम महीने के शुरू में ईएमआई चुकाते हैं तो उसको एडवांस ईएमआई कहते हैं, और जब हम महीने के अंत में ईएमआई चुकाते हैं तो उसे एरियर ईएमआई कहते हैं। ये चार उपाय हुए। अब पांचवा उपाय, कर्जदार यानी लोन लेने वाला को कर्जदाता से लोन नहीं चुका पाने के कारणों को विस्तार से बताना चाहिए, जैसे नौकरी चली जाना, दुर्घटना या फिर गंभीर बीमारी। कारण चाहे जो भी हो, उसे साफ साफ बताना चाहिए। कर्जदार कर्जदाता से होम लोन को रीफाइनेंस या लोन चुकाने की समय सारणी में बदलाव के लिए कह सकता है। ये छह उपाय हुए। अब सातवां उपाय, कर्जदार अपनी मौजूदा बचत या निवेश से पैसे निकालकर बकाया कर्ज चुका सकता है। ये सात उपाय। आठवां उपाय, कर्जदाता कर्जदार का घर अपने कब्जे में ले, उससे बेहतर है कि कर्जदार खुद ही अपना घर बेचकर बकाया कर्ज चुका दे। ये आठ उपाय। नौवां उपाय, कर्जदाता को भरोसे में लेकर अगर कर्जदार खुद से घर बेचता है तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये उपाय अपना करके आप राहत ले सकते हैं, लेकिन आपको राहत मिलेगी नहीं मिलेगी ये पूरी तरह से बैंक या लोन देने वाली कंपनियों पर निर्भर करता है। हम तो चाहेंगे कि आपको राहत मिले, लेकिन अगर बैंक या कंपनी राहत देने से इनकार कर रहे हैं तो बैंक या कंपनी का क्या अधिकार अब होता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। लोन देने वाले बैंक या कंपनी को होम लोन पर डिफॉल्ट होने पर डिफॉल्टर के खिलाफ कार्रवाई करने और अपनी हितों की रक्षा का अधिकार SARFAESI यानी सिक्योराइटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत मिला हुआ है। मतलब इस कानून के तहत वो डिफॉल्ट हुआ जो संपत्ति है उसके खिलाफ ये कार्रवाई करने का अधिकार बैंकों और कंपनियों को मिला हुआ है जो लोन देते हैं। लगातार तीन महीने तक अगर होम लोन की ईएमआई नहीं चुकाया जाए तो कर्जदाता बैंक या कंपनी उस प्रॉपर्टी को एनपीए या खराब या डूबा हुआ मान लेते हैं। देनदार या कर्जदाता होम लोन को एनपीए मानकर उसके बदले लेनदार से यानी जिन्होंने कर्ज लिया है रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। देनदार होम लोन के एनपीए होने के बाद 60 दिनों में बकाया चुकाने के लिए कानूनी नोटिस जारी करता है। लेनदार इन 60 दिनों में भी बकाया नहीं चुका पाता है तो फिर देनदार संपत्ति की नीलामी के संबंध में 30 दिनों का पब्लिक नोटिस जारी करता है। इस दौरान कर्जदार
कर्ज वाली संपत्ति का वैल्यूएशन और मूल्यांकन करता है। देनदार यानी जो लोन देता है, लोन देने वाला, और लेनदार यानी लोन लेने वाला। इस तरह से होम लोन लेने वालों के पास पहली ईएमआई के डिफॉल्ट करने और देनदार द्वारा उसकी संपत्ति कब्जा में लेने के दौरान 5 महीने का वक्त मिल जाता है। तो इन 5 महीनों में आप कोई मुकम्मल इंतज़ाम कर लें ताकि आपकी संपत्ति, आपके मकान को बैंक वाले या लोन देने वाले कब्जा में ना ले सके। तो दोस्तों, बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही, लेकिन अपने फाइनेंशियल सफ़र को सुहाना बनाने के लिए देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर, और पढ़ते रहिए हिंदी फाइनेंशियल ब्लॉग बी योर मनी मैनेजर .blogspot.com। और हाँ, अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, सवाल पूछना, सुझाव देना, आलोचना करना मत भूलिएगा। तो आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।